ये कहना चाहूंगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपको सबसे आज बड़ा करने का मुझे मौका मिला। ये थोड़े समय में जरूर आप लोगों को यहाँ बुलाया, परंतु मैंने ये सोचा कि बस्सी का कार्यक्रम जब हो ही रहा था, यहाँ मालूम नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा और कब बनेगा कार्यक्रम, क्योंकि शिव प्रताप जी ने बहुत दिन पहले मेरे से कह रखा था कि हम आपके लिए रुके हुए हैं, इस मूर्ति का नारायण तभी होगा जब आप आओगे। तो मैंने चला के ये कहा कि बस्सी का कार्यक्रम हो ही रहा है, 15 मिनट की दूरी पे माधोगढ़ है, अगर हो सकता है तो चलो अपन माधोगढ़ चलेंगे और ये कार्यक्रम भी करके और आप लोग सबसे मिलके वापस घर जाएंगे। तो कल रात को ही मैंने खबर की और मैंने ये कहा सब लोगों को कि कह दो आना है और ये करके जाना है। आपके इस इलाके के सुबह से जब से निकली हूँ तब से मेरे को कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ देखने को मिला है। किन्हीं लोगों ने मेरे से कहा कि आपको तो हेलीकॉप्टर से चलना चाहिए, मैंने कहा मैं तो चला के गाड़ी में आई इसलिए हूँ कि ये मालूम तो पड़े कि रास्ते में क्या स्थिति है, हेलीकॉप्टर में मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा कि लोग अगर नाराज होंगे रास्ते में मिलेंगे, मैंने कहा लोग ये तो परिवार है और परिवार के लोग जो अपने मन की बात है वही कहना चाहेंगे, तो उसको हम नहीं सुनेंगे तो फिर फोटो का मतलब क्या है। और इसलिए मैंने कहा कि जब इस प्रदेश की बात को मैंने 13 दिसंबर को संभाली और उसके बाद मैंने कुछ इसका जायजा लिया तो मेरे को ये मालूम हुआ कि ये आसान बात होने वाली नहीं है। 2003 में जो स्थिति थी और 2014 में 13 में जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी हमने ये तय किया कि हम आपके बीच में भीख का कटोरा लेके नहीं आएंगे, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो भिखारी हैं, अब तो हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं, ये अब कहेंगे नहीं, परंतु कहीं ना कहीं से जैसे आप लोग करते हो घर के अंदर ये सब माता बहने बैठी हुई है, ये जरूरी नहीं है कि अपने घर में हमेशा हर चीज के लिए पैसा हो, तो कभी कभी ये जो पैसे आ जाते हैं घर में तो इसकी टोपी उसके सिर पर उसकी टोपी उसके सिर करते करते चलाते हैं ना, तो उसी तरीके से अपने घर के जिस तरीके से घर में चलाते हैं उसी तरीके से अपने प्रदेश के अंदर चलाने की कोशिश हम लोग करेंगे। परंतु मैंने अपने सब लोगों को ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मेरा परिवार और मैंने जब इलेक्शन की बात शुरू की थी और आपको याद है यात्रा भी शुरू की थी तब जब मैंने आप लोगों सबसे मिलके सुना और सुन के मेरी अपनी बात कही तो हरेश मैं पूरे एक साल के लिए आप लोगों को ये कहती रही कि मेरे हाथ में जादू नहीं है, परंतु अगर आप लोग कमर कसने को तैयार हैं तो इन कठिनाइयों को हम लोग दोनों जन मिलके पूरा कर सकते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और उस समय में सब लोगों ने मेरे को ये कहा कि आप चिंता मत करना, ये हमारा आशीर्वाद है और हम आपके साथ लगेंगे और हम लोग मिलके इन कठिनाइयों को दूर करेंगे। कहा ना कहा सब लोगों ने मेरे को ये कहा और मैंने कहा हो सकता है कि कोई कोई कठिन कदम अपने को उठाने पड़ेंगे, क्या आप कठिन कदम उठाने के लिए तैयार है? क्यों? क्योंकि राजस्थान ये 5 साल के लिए नहीं लिया, ये जो शुरुआत अपन कर रहे हैं वो आज की आने वाली पीढ़ी की उसके बाद की आने वाली पीढ़ी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उसके लिए करना है तो कल का सोच के नहीं परंतु आगे का सोच के अपने को करना है। हो सकता है कि हमको और आपको कुछ कठिनाइयां देखना पड़े परंतु आगे की हमारी पीढ़ी तो ठीक हो जाएगी, ये मन को लेके मैंने सबको कहा कि काम में कमी नहीं होने देंगे पर मिलकर काम करेंगे। मंजूर है। तो मैंने अभी इनको ये कहा, मैंने को देखो स्वर्गीय ठाकुर भवानी सिंह जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपना नहीं सही जिन्होंने आपका और अपने परिवार का, क्योंकि आप उनके परिवार के थे, अपना परिवार का सोचते हुए सबसे पहले यहाँ का मैंने विकास करने का काम अपने हाथ में लिया, ऐसे व्यक्ति आज बहुत कम मिलते हैं। मैंने पता किया तो बताया मेरे को कि उन्होंने गांव से बहुत प्यार किया
और प्यार खातिर करते उन्होंने पशु चिकित्सालय आयुर्वेदिक अस्पताल अपनी खुद की जमीन देके किया। आज कौन देता है भाई? कोई नहीं देता है। आज अपनी जमीन का मतलब है अपनी जमीन, और तुम्हारी जमीन का मतलब है वो भी मेरी जमीन। आजकल यही है ना, मेरी जमीन तो मेरी जमीन और आपकी जमीन भी मेरी जमीन। ये आजकल ऐसा चलता है। कोई पहले नहीं करता था कि मेरी जमीन वो आपकी है और मैंने आपको किसी पिता पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। ऐसे लोग वो थे जिन्होंने अपने गांव को अपना समझ के उसके लिए करने में कोई कोताही नहीं करती। ऐसे लोगों को याद करने की जरूरत है। वो उनकी देन है और इस गांव के सरपंच तो रह चुके थे, परंतु मैं समझता हूँ कि अपने जिंदगी के अंदर तो लगातार सरपंच बनते ही गए। और उनकी मृत्यु के बाद अब आपने उनके जवान बेटे को आगे किया है, ये भी मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने आपकी सेवा की, वैसे आगे चल के ये भी आपकी सेवा करने में कोई पीछे नहीं रहेगी। अब मैं दो साथ में कार्यक्रम आपको ध्यान में लाना चाहूंगी। सबसे पहले तो भामाशाह कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम को मैंने 2005 के अंदर शुरू किया था और ये सोच के शुरू कर दिया था कि मेरी महिलाओं को आगे रखते हुए उनके नाम से बैंक अकाउंट खोला जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर परिवार के मुखिया के रूप में, और वैसे भी है महिला, कुछ भी कहो महिला तो परिवार की मुखिया है ही, अंदर से जो भी काम होता है वो तो वही करती है, इसलिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो महिलाओं को घर की मुखिया के रूप में आगे करके और उनके नाम पे कार्ड बना के, और उस कार्ड के ऊपर पेंशन हो, जननी सुरक्षा हो, जो भी अपने सरकारी पैसा जो अपने को मिलता है वो सीधे अपने बैंक अकाउंट में जाएगा। आप बैंक अकाउंट खोले, उसकी प्रोत्साहन राशि के रूप में हमने 2000 रुपए आप लोगों को पहले 1000, उसके बाद 1000 और देने का काम, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य बीमा के रूप में 30,000 रुपया उसके ऊपर। अब मैं देखती हूँ कि जन धन योजना प्रधानमंत्री की जो है उसमें भी 30,000 रुपया उन्होंने स्वास्थ्य बीमा में दिया है। अगर उसको जोड़ा जाए और उसके साथ साथ एक्सीडेंट अगर कोई हो जाता है तो एक्सीडेंट क्लेम में उन्होंने 1,00,000 रुपया वो भी दिया है। तो मैं समझती हूँ ऐसा कार्ड किसी को बन जाता है तो उस परिवार के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और मैंने अभी परीक्षा से पता किया कि कैंप आपके चल रहे हैं कि नहीं, जिसमें सब लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा चल तो रहे हैं और बहुत सारे लोग उनमें एंट्री अपना नाम कराना चाह रहे हैं। तो सबको देख देख के मैं सबको कहना चाहती हूँ कि देखो कोई पीछे नहीं रहेगा, इसलिए कोई ये मत सोचना कि अगर मेरा नाम अभी नहीं चढ़ा तो कभी नहीं चढ़ेगा। अगर आपके सब कागज सब ठीक है तो बिल्कुल चढ़ेगा और आपको इसका फायदा आने वाले समय के अंदर मिलेगा। ये अपनी एक बहुत बड़ी स्कीम है। दूसरी स्कीम जो मैंने पहले जब सरकार में आई थी तब भी और अब भी, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको अपने हाथ में लिया हुआ है, वो स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारे भारत देश के अंदर सफाई सबसे बड़ी मुसीबत है। हम अपने घर को साफ रखें, हम अपने मोहल्ले को साफ रखें, हम अपने खुद को साफ रखें, तो हमारे चारों ओर हमारे इर्द गिर्द सफाई रहेगी तो काम होंगे और लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आएगी। गंदे घर में लक्ष्मी नहीं आती है। आप सब जानते हो कि दिवाली के टाइम में सबसे पहले तो हम घर की सफाई करते हैं, उसकी पुताई करते हैं, और ये सोच के करते हैं कि दिवाली के दिन समय आएगा तो दरवाजे खिड़कियां खुला रखो, दिए जला के रखो, सफाई करके रखो, ताकि लक्ष्मी आएगी हमारे घर के अंदर, हमारे को चुप के नहीं जाएगी। तो इतना जब अपन जानते हैं तो क्या आप अपने अपने गांव को साफ नहीं रख सकते? मैं अभी आपके माधवगढ़ में आ रही थी तो मैंने पता किया कि सफाई की क्या स्थिति है। मुझे बताया गया कि अभी अभी हम लोगों ने साफ तो किया, बहुत गंदा है, ये गंदा नहीं रहेगा। इसके लिए मैं अब पहली दफा और एक बार आपको 50,00,000 रुपए दे रही हूँ। मेहरबानी करके इस स्वच्छता का इंतजाम आप अपने गांव के अंदर करिए, फ्री में नहीं है, फ्री
फ्री में नहीं है। ये स्वच्छता अभियान आप लोग को, मैंने ब्रेक साहब को भी कहा है, आपको पैसे ला के मिलेंगे और आप लोग उसको लगा के इसकी गंदगी को सफाई करके ठीक करके रखोगे। ठीक है, मंजूर। ऐसे फ्री में 50 का नहीं, मंजूर। हाँ तो ठीक है, फिर हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि अपना माधोगढ़ गांव कहाँ है, शिव शिव प्रताप नहीं बोल दो, पचास का फ्री में नहीं। हाँ सफाई करोगे, सब लोग निकल के जाएंगे, प्रधानमंत्री सफाई की, मैंने सफाई की, तुमने सफाई की, नहीं ये मुझे मालूम है। तो अपने को कुछ ना कुछ करके सब लोगों को जोड़ के अपने करना है, ये अपना घर है, अपने घर की सफाई हम लोग करेंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। मंजूर, ओके। इसलिए आज मैंने तय कर लिया है 50 लाख रुपए से अपन शुरुआत करेंगे और अगली बार माधवपुर विलेज गाँव में आने का जब मेरे को मौका मिलेगा तो मुझे ये मालूम होगा की पर्दे सर्दे किसी लगाने की जरूरत नहीं होगी, सब सफाई सफाई मुझे मिलेगी। ठीक है, अच्छा एक चिकित्सा और स्वास्थ्य, सड़क शिक्षा, विद्युत योजना, इस माध्यम से गांव का समग्र विकास करने का सोच था। इसलिए आपको ध्यान होगा कि सरकार आपके द्वारा ये कार्यक्रम हमने चालू किया। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या मतलब इस कार्यक्रम का, क्या होगा इस कार्यक्रम से, आप जाओगे 10,000 लोग अपनी पीड़ा लिख के देंगे फिर उसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे, क्या मतलब है। मैंने ये तय कर लिया था कि कलेक्टर्स को बिठाया गया, कलेक्टर्स के नीचे पूरी पूरा आपका कर्मचारी गण सब पूरा लगा कर रखा हुआ, इन सबको फिर से काम में लगने की जरूरत है। और इसलिए ये स्कीम के द्वारा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमको जनता के मैंने काम के लिए ये लोग सब सजग हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो गर्मी में पहले तो मैंने ये कहा था आप तो गए हो तो भरतपुर में जाना ही था, चुनाव का टाइम था, वो तो राजनीतिक लोग हैं वो तो जाएंगे जाएंगे। फिर 50 डिग्री में बीकानेर गए तो सबके मुंह बंद हो गए क्योंकि उन्होंने सबने कहा कि अब तो गर्मी है, यहाँ तो कोई चुनाव भी नहीं है और फिर भी आए हैं। उसके बाद उदयपुर गए तो उन्होंने कहा कि ये तो चलने वाला है। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अभी वो मामला रुका नहीं है, अभी इसका सबका जायजा होगा। मेरी किस्मत में ये चुनाव ही चुनाव लिखे हुए हैं, चुनाव की वजह से सब चीज रुक जाता है। अभी फिर आपके ये चुनाव आ गए, उसके बाद फिर आपके पंचायत के चुनाव आ जाएंगे, जो काम करने हैं उसमें इतने सारे रुकावट है, गाड़ी धक्के 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 एक साल हो गई। और इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये काम करके छोड़ूंगी क्योंकि मेरा मानना ये है कि गांव के व्यक्ति को जयपुर आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, उसकी मुसीबत वही पूरी हो जानी चाहिए। इसको लेकर हमने ये काम चालू किया है। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए और मेरे साथ चलने वालों के लिए बहुत संकट का काम है, तब दुखी हो रहे हैं, अरे साहब इतना पसीना हो, कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, गाँव में क्या होगा, लेकिन करना ही तो इसीलिए करेंगे। और हो सकता है भाई उसको समय लगेगा, परंतु अगले आने वाले समय के अंदर मैं चाहती हूँ कि वो पूरे का निचला हिस्सा जो है वो आपके काम में फिर से लगे, ताकि नीचे से ऊपर तक राजस्थान के अंदर पूर्ती चुस्ती और जागरूकता आ जाए। इसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। और सब महिलाओं को मैं ये कहना क्या चाहती हूँ कि हमने तय कर लिया है कि जहां जहां आपका गौरव पथ नहीं है, अभी तो सड़कों में मैंने शहरों में किया था पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ सड़कों में गौरव पथ ग्रामीण इलाके के अंदर हम कर दें, ताकि महिलाओं को कीचड़ में ज्यादा दूर चलने की जरूरत नहीं होती। वो देख के मैंने कहा कि उसकी साइड बाय साइड नाली बना दो और एक गौरव पथ उसमें बनाने की कोशिश करो। हम चाहते हैं कि हमारे 9,171 ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायतों के अंदर तो मोटा मोटा पहले वो काम चालू हो जाए। इसके साथ साथ एक जन भागीदारी जो विकास योजना हमारी चला करती थी उसको हम फिर से चालू कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि कोई बिल्डिंग अगर चरमरा गई है तो उस चरमराई हुई बिल्डिंग को आप लोग नीचे लाओगे तो जो माल आपका है उसको आपके और उसके अगेंस्ट सरकार आपको पैसा देगी, उसको फिर से खड़ा करने की जो बात जो पहले गुरु गोलवरकर स्कीम के अंदर से जाना जाती थी वो उसको फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मनरेगा योजना के अंदर बहुत सारे रेलवे ओवरब्रिज, खाले, इन सब के निर्माण करने के लिए हम स्थायी परिसंपत्तियां किस तरीके से लगाए जा सकते हैं और बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं।
और जैसे मैंने कहा स्वच्छता के लिए आज प्रदेश के 1,15,00,000 घर के अंदर कुछ 85,00,000 घरों में शौचालय माताएं बहने उसकी उपलब्धि नहीं है 85,00,000 घरों के अंदर। तो प्रदेश के 9,177 ग्राम पंचायत में से करीब 300 ग्राम पंचायत ही अभी तक खुले में शौच करते हैं, उनको खुले में शौच से मुक्ति मिला दी है और 300 ग्राम पंचायत खुले में अभी भी शौच से मुक्ति होनी है। उनके लिए अपने को काम करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज के जमाने में हमारी महिलाओं को ऐसी स्थिति में रहना पड़े। इसको कितने जल्दी हम लोग बदल सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 2,500 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराने की योजना बनाई है। मैं सोच सकती हूँ कि ये भी काम अपन पूरा कर सकेंगे और अगर हम आप सबका सहयोग बना रहेगा तो मैं मानती हूँ कि राजस्थान के अंदर 2017 में खुले में शौच के अभिशाप से हम लोग मुक्त हो जाएंगे अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे। विश्वास करती हूँ ये हो सकता है। इसलिए अब आइए हम लोग इस मौके पर अपने गांव को स्वच्छ बनाने का संकल्प करें और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर ये अपन कर सकते हैं। और ये अभी ग्रामीण गोरखपुर की एनआईटी जारी कर चुके हैं, 1 दिसंबर तक कार्य चालू कर देंगे और 2,105 ग्राम इसके लिए 1,115 करोड़ रुपया और 2,048 किलोमीटर ये पूरे ग्रामीण गोरखपुर की एनआईटी जारी हो चुकी है और 1 दिसंबर से काम चालू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान को इसका फायदा मिलेगा। मैं फिर से आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ऐसे युग पुरुष को याद किया, उनके यहाँ स्टैचू को खड़ा किया और खड़ा करके आप लोगों ने इस परिवार को गौरवान्वित किया। और इस परिवार को मैं नहीं कहती हूँ कि ये तो पूरा एक ही परिवार है, इसलिए आप सब लोगों को ये गौरव बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया है और इसके एवज में मेरे को यहाँ बुलाने का काम आप लोगों ने किया और आपके सबके मेरे को दर्शन मिल गए, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। बहुत सारा आभार और मेरा बहुत सारा आप लोग सबको प्यार, बहुत सारा प्यार।